नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 45 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले लेक्चर में लाहौर सेशन कांग्रेस का डिस्कस किया था, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन क्या था ये मैंने आपको बताया था, और आज हम कंटिन्यू करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और इसका प्रोग्रेशन क्या था, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और वहां से हम हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये, कई लोगों ने आशंका जताई कि ये सीरीज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं जानबूझकर इसको नहीं कर रहा। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा विलंब हो गया लेक्चर्स के बीच में, उसके लिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन लेक्चर सीरीज पूरी कंप्लीट होगी विद इन 3 डेज। इसको मैं पूरा करने का कर रहा हूँ प्रयास, तो 7 लेक्चर 8 लेक्चर होंगे, इसको हम पूरा कर देंगे विद इन द नेक्स्ट 3 डेज। चलिए तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे यहाँ फॉलो जरूर कीजिए। फायदा क्या होगा, मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ इंस्पायर नाम से, ठीक है। इंस्पायर एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो इसी मेरे लेक्चर्स के एमसीक्यू में डिस्कस कर रहा हूँ। कई लोग मुझे कमेंट्स में बोलते थे कि आप एमसीक्यूज पूछा करो, तो एमसीक्यू के लिए एक पूरी अलग डेडिकेटेड सीरीज लेकर आया हूँ मैं। इस लेक्चर के बीच में मैं एमसीक्यू नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, इसीलिए। तो एमसीक्यू सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, अभी तक वहां पर 6 सेट हो चुके हैं और 7, 8, 9 बाकी हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें। आज 30 सितंबर को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। स्पेशल प्राइस वीक ऑफर जो हमने अभी 2-3 हफ्ते पहले एक बार लाया था, वो पॉपुलर डिमांड पर वापस लेकर आए हैं। तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिल जाता है अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं, और अभी 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी फॉर 1 ईयर। इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है 46,700 रुपीज, तो इसको जरूर अवेल करें। इससे बेटर प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज, क्लासेस, नोट्स ये कहीं नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आपको अगर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, एंड ईएमआई ऑप्शन पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। सो ईएमआई इज अ ऑप्शन जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। इट्स अ गूगल फॉर्म, वहां पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालने पर हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे और कुछ ही घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मैंने जो गांधी जी के शुरुआती आंदोलन आपको बताए थे, उनमें आपको मैंने फर्क समझाया था कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस में फर्क क्या है, याद है? अगर याद नहीं है तो प्लीज एक बार उसको देख लेना। चलो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं एक उदाहरण के साथ। देखो, आपके घर में आपके माता पिता अगर आपको कहें कि तुम बेटा जाकर ये सामान लेकर आ जाओ, ये किराने की दुकान से ये लिस्ट है, ये सामान लेकर आ जाओ, तो अगर आप मना कर दें कि नहीं मैं लेकर नहीं आऊंगा, तो वो हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन, कि आप अपने घर वालों के साथ या अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ना तो खुद जाएं ना किसी और को जाने दें, आप दरवाजे पर हाथ रख के खड़े हो जाएं कि ना तो मैं जाऊंगा, ना भैया, ना अपनी दीदी, ना अपने छोटे भाई बहन को जाने दूंगा, कोई घर से जाकर किराने का सामान लेकर नहीं आएगा, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस। तो आप एक्टिवली किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ये सिविल डिसओबीडियंस हो जाता है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बड़े स्तर पर देश भर में लॉन्च किया गया 1930 में। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन में सरकार को चेतावनी दी गई थी गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि हमारी मांगे पूरी कर लो, मांगे नहीं मानोगे तो हम आंदोलन लॉन्च करेंगे, और इसीलिए यह आंदोलन इन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटम था 31 जनवरी 1930 का कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज डिमांड्स। डिमांड्स क्या थी? ये गांधी जी की 11 डिमांड थी, इनको अभी इन पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि गांधी जी का भारत में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? छोटे स्तर का मूवमेंट था, लेकिन वो कौन सा था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत थी वो गांधी जी ने करी थी। कैसे करी थी? दांडी मार्च के द्वारा, सॉल्ट सत्याग्रह उसको कहते हैं। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी जी की इन 11 मांगों को मानने से मना कर दिया। 11 डिमांड्स थी, क्या क्या डिमांड थी? सबसे पहला, आर्मी और सिविल सर्विसेज पे खर्चा 50% कम किया जाए, अल्कोहल यानी कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर पूर्ण तरह से रोक लगाई जाए, टोटल प्रोहिबिशन। तीसरा, सीआईडी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बदलाव किए जाए। चौथा, आर्म्स एक्ट में बदलाव किया जाए यानी कि भारत के लोगों को भी हथियार का लाइसेंस मिलना शुरू हो। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए। पोस्टल रिजर्वेशन बिल एक उस समय लागू नहीं हो रहा था, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। रूपी स्टर्लिंग यानी कि इंडिया की करेंसी और इंग्लैंड की करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज रेशियो है उसको थोड़ा घटाया जाए ताकि भारत की इकोनॉमी को फायदा हो। टेक्सटाइल प्रोटेक्शन यानी कि भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिए जाएं, जो बाहर से इंपोर्ट होकर कपड़ा आ रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाएं ताकि भारत का कपड़ा उद्योग प्रॉफिट कमा सके, वो बर्बाद ना हो। कोस्टल शिपिंग यानी कि तटीय एरिया में जो छोटे मोटे बोट्स होती हैं उसको केवल भारतीय लोगों के लिए रिजर्व किया जाए, यानी कि विदेशी कंपनीज आकर यहां पर कोस्टल शिपिंग ना कर सके। यानी कि कोस्टल का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, भारत से इंग्लैंड जाने का जो जहाज का पूरा
इंडस्ट्री है उसमें विदेशी लोग हो सकते हैं, लेकिन लोकल जो शिपिंग होती है उसमें भारतीय लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा जाए। लैंड रेवेन्यू 50% घटा दो और सॉल्ट टैक्स को हटा दो। ये काफी इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि नमक का जो कानून है उसको हटा दिया जाए और सरकार की नमक के ऊपर जो मोनोपोली बनी हुई है उसे तोड़ दिया जाए। इतनी सारी डिमांड को पढ़कर शायद आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों ने इनमें से एक भी एक्सेप्ट नहीं करी होगी, और गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं एक सत्याग्रह शुरू करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस शुरू करूंगा नमक बनाकर। देखो, नमक एक ऐसी वस्तु है जो आम आदमी को चाहिए डेली, हर रोज आपको खाने में नमक चाहिए। और नमक बनाना वैसे काफी सिंपल प्रोसीजर है, समुद्र का पानी होता है उसको सुखाकर उससे नमक बनाया जाता है, और सदियों से ये काम कर रहे थे भारत के लोग जो तटीय इलाकों में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, वो इस काम को करते आ रहे थे। लेकिन इस पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया था। 1882 में सॉल्ट एक्ट लाया गया था, उसके पहले भी कुछ लोकल टैक्सेस थे, लेकिन 1882 में एक ऑल इंडिया कानून लाया जाता है सॉल्ट एक्ट। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार को है, और सरकार अब क्या करेगी, आगे कॉन्ट्रैक्ट देगी, यानी कि सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आज आप कोई भी इस तरह के बिजनेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल शराब की दुकान अगर आपको खोलनी है तो आप कहीं पर भी नहीं खोल सकते, आपको सरकार से अनुमति लेनी होती है। उसी तरह से यहां पर नमक का उत्पादन करने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास एकाधिकार होगा। तो सरकार के हाथ में नमक आने से एक मोनोपोली हो गई, सरकार चाहेगी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि तुम नमक बना लो, और चाहेगी जिसको रोक देगी कि तुम नमक मत बनाओ। और अगर आप सरकार की अनुमति के बिना थोड़ा सा भी नमक बना लेते हो, मान लो कि मेरा घर समुद्र के किनारे है और मैं 2-3 किलो नमक अपने पर्सनल यूज के लिए भी अगर बना लेता हूं समुद्र के पानी से, तो वो भी इलीगल होगा। सो इट वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल भी नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप नमक के कानून का वायलेशन करते हैं तो। अब गांधी जी ने इसी नमक के कानून को तोड़ने की ठानी, और इसी से इन्होंने शुरुआत करी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक के कानून को तोड़ना। नमक के कानून को तोड़कर क्या होगा कि आप सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे। यू आर डिसओबेइंग द गवर्नमेंट, द सिविल गवर्नमेंट, और इसीलिए यह है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आई बात समझ में? तो दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च को। कहां से शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली इस पर सवाल आते हैं। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गांधी जी का आश्रम था यहां पर, और गांधी जी ने यात्रा 78 सदस्यों के साथ या साथियों के साथ शुरू करी। धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़ते गए। लक्ष्य क्या था? दांडी नाम के गांव तक पहुंचना। दांडी अहमदाबाद से लगभग 400 किलोमीटर दूर था, और ये सूरत के आसपास में है। तो यहाँ मैप में देख लो कि यहाँ अहमदाबाद से शुरू करके दांडी पहुंचना था। अब ये तो देखो, हाईवे वाला गूगल मैप बता रहा है, उस समय वो पैदल इस रास्ते से नहीं गए थे, गांव वगैरह होते हुए पहुंचे। यहाँ सूरत के पास में दांडी नाम की जगह है, तो दांडी पहुंचकर उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाया और उससे नमक का कानून तोड़ा। और जब रास्ते में जा रहे थे तो ऐसा नहीं गाड़ियों में बैठकर चले गए, पैदल यात्रा थी। इसको पूरा करने में उन्हें कई दिन लग गए, लगभग कितने हो गए, 18-20, लगभग 25 दिन की यात्रा थी। और रास्ते में रुकते रुकते गांव गांव में लोगों को संबोधित करते हुए गए ताकि इस आंदोलन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और जब तक ये दांडी पहुंचे, इनके साथ हजारों लोग जुड़ चुके थे। इस यात्रा की एक बहुत ही खास बात ये थी कि इसको कवर करने के लिए इस बार विदेशों से जर्नलिस्ट आए थे, विदेशी पत्रकार, खास करके अमेरिका के पत्रकार आए थे। और ये जर्नलिस्ट गांधी जी के साथ साथ चलते हैं और डेली अमेरिका के अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में दांडी यात्रा की रिपोर्टिंग करते हैं। और उस समय की जो ब्रिटिश प्रेस थी वो इतनी खराब थी कि उन्होंने अमेरिका के जर्नलिस्ट को टेलीग्राम इस्तेमाल करने नहीं दिया, वो वाला टेलीग्राम, आज वाला टेलीग्राम नहीं, ठीक है। तो तार से जब न्यूज भेजी जाती थी ना, रिपोर्टिंग होती थी, तो वो तार करने की परमिशन उन्होंने नहीं दी थी। तो फिर अमेरिका के जर्नलिस्ट ने सबको धमका दिया कि देखो, तुम्हारे बारे में भी मैं छाप दूंगा कि तुम यहां पर कितना रिस्ट्रिक्टिव जर्नलिज्म करते हो, कितना बायस्ड जर्नलिज्म है तुम्हारा। तब जाकर ये जानकारी कि भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग आजादी की डिमांड कर रहे हैं, ये सब दुनिया भर में खबर पहुंची और ये आंदोलन वर्ल्ड फेमस हो गया। तो गांधी जी की जो एक्चुअल मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस था ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो इस आंदोलन के बाद से आता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग लाठियां खाते हुए, लोग इतनी मार खाते हुए भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस मूवमेंट को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिमी देशों में, खास करके अमेरिका में, गांधी जी एक हाउस होल्ड नेम बन गए, यानी कि डेली जिस आदमी की खबर आएगी अखबार में तो ऑटोमेटिकली वो हाउस होल्ड नेम बन जाता है। और भारत के आज़ादी का आंदोलन जो है वो दुनिया भर के सामने एक बहुत ही पॉपुलर आंदोलन के रूप में उभर कर आता है। तो ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं, इस तरह से चलकर जा रहे थे, बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। कभी आप अहमदाबाद जाएं तो साबरमती आश्रम जरूर जाइएगा, वहां पर इसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गांधी जी जब अल्टीमेटली दांडी पहुंचते हैं तो यहां पर मुट्ठी भर नमक लेकर हाथ में, और ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया है, हमने अंग्रेजों के इस कानून को, इस दमनकारी कानून को तोड़ दिया है। और यह घटना हुई थी 6 अप्रैल को। और जब तक ये दांडी पहुंचे थे तो
तो 78 लोगों से यात्रा शुरू हुई थी और 50,000 लोग इनके साथ जुड़ चुके थे। और 12 मार्च को यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत को कमेमोरेट करते हुए मॉरिशस जैसे देश अपना राष्ट्रीय दिवस इसी दिन मनाते हैं। तो याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है ये दिन कि मॉरिशस इसे अपने नेशनल डे के रूप में मनाता है। दिल्ली में आप जाएंगे तो दांडी यात्रा को कमेमोरेट करता हुआ इस तरह का एक बहुत ही शानदार स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट चौराहे का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जो दिल्ली का लुटियंस एरिया है वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस में भविष्य की क्या राह होगी इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा करी। तो उन्होंने कहा कि देखो सिविल डिसोबीडियंस के लिए बहुत सारे काम करने होंगे, जैसा नॉन कॉपरेशन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था कि विदेशी कपड़ों को हमें त्याग करना है, तो इस तरह से जो भी विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकान है उनको पिकेट किया गया। आई होप आपको पिकेटिंग याद है, मैंने एनसीएम के दौरान भी समझाया था आपको, लोग एक से दूसरे का हाथ बनाओ तो चरखा चलाकर खुद अपने कपड़े बनाने शुरू करो, तो स्पिनिंग क्लॉथ्स चरखा को पॉपुलर किया गया। छुआछूत के खिलाफ इस बार एक सोशल मैसेज भी था, पिछली बार सोशल मैसेजिंग नहीं थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सोशल मैसेजिंग इतनी कुछ खास नहीं थी, इस बार गांधी जी ने सोशल मैसेज को भी बहुत बड़ा हिस्सा बनाया अपने आंदोलन का। और ये भी कह दिया कि देखो मैं तो अरेस्ट होने ही वाला हूं, मुझे पता है, तो मेरे अरेस्ट के बाद जो भी आपके लोकल नेता हैं उनकी बातें आपको माननी है। तो ये जो मूवमेंट है सॉल्ट सत्याग्रह से शुरू हुआ था, इसी तरह के नमक सत्याग्रह कई राज्यों में देश के हुए थे। तो गांधी जी ने अहमदाबाद से इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे उन्होंने अलग अलग प्रांतों में इस तरह का सॉल्ट सत्याग्रह किया। तो अब आप अपना स्टेट पीसीएस देने जब जाते हो, खास करके जो कोस्टल स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ध्यान रख लेना कि आपके स्टेट में कौन सी ऐसी घटना हुई थी। तो एक जो यूपीएससी लेवल पर इंपॉर्टेंट है वो है तमिलनाडु में जो हुआ था वेदरण्यम सॉल्ट सत्याग्रह। तो वेदरण्यम नाम की जगह है, वहां पर जाकर ये नमक का कानून तोड़ा गया। किसके द्वारा? राजा जी, सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट नेता। तो राजा जी ने ये नमक सत्याग्रह तिरुचिरापल्ली या तिरुचिरापल्ली से शुरू किया, वेदरण्यम जाकर इन्होंने ये कानून तोड़ा। केरल के अंदर के केलप्पन के नेतृत्व में ऐसा ही एक सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट नेता। तो राजा जी ने ये नमक सत्याग्रह तिरुचिरापल्ली या तिरुचिरापल्ली से शुरू किया, वेदरण्यम जाकर इन्होंने ये कानून तोड़ा। केरल के अंदर के केलप्पन के नेतृत्व में ऐसा ही एक मार्च चलता है जो कैलीकट से पय्यन्नूर जाता है, और पय्यन्नूर में जाकर ये नमक बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं। आंध्र प्रदेश, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट सत्याग्रह हुए। उड़ीसा के अंदर जो लीड कर रहे थे वो थे गोपाल बंधु चौधरी, बालासोर, कटक और पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो स्टेट पीसीएस में आपसे ये सब पूछे जा सकते हैं, और यूपीएससी में अगर पूछा जाएगा तो केवल ये वाला पूछा जाएगा, राजा जी वाला, ठीक है, वेदरण्यम वाला सॉल्ट सत्याग्रह आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे ही आंदोलन शुरू होता है सबसे पहले नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल में ही, और उसके बाद गांधी जी को भी मई में अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी दांडी के बाद धरसाना जाने वाले थे। अब ये धरसाना क्या है ये नाम भी याद रखना, अक्सर इसको लोग भूल जाते हैं। तो देखो यहां पर आपको मैंने बताया था ये है दांडी, तो दांडी से ही कुछ किलोमीटर दक्षिण में, मतलब यहीं पर सूरत के पास में ही धरसाना है। हो सकता है मैप पे मैं एग्जैक्ट लोकेशन मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मतलब दांडी से थोड़ा सा दक्षिण में ही यहां पर धरसाना सॉल्ट वर्क्स है। ये भी एक बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम था, यहां पर नमक बनाया जाता था, और इस जगह जाकर इनका टारगेट था कि धरसाना सॉल्ट वर्क्स के ऊपर हम जाकर नमक बनाएंगे और सरकारी वाला जो काम है उसको रोकेंगे, मतलब उसमें उनको खलल करना था। लेकिन धरसाना पहुंचते उससे पहले ही गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, और अब तक 60,000 लोग जो जुड़े हुए थे इस आंदोलन से वो पूरे भारत में अरेस्ट हो चुके थे। तो जब तक धरसाना सॉल्ट वर्क पहुंचते उससे पहले ही 60,000 पीपल को अरेस्ट किया जा चुका था सरकार के द्वारा। तो फिर धरसाना एक्चुअली में गया कौन, ये याद रख लेना। गांधी जी के अरेस्ट के बाद सरोजनी नायडू इस आंदोलन को लीड करती हैं धरसाना में। तो जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी ना, तो वो दांडी से दक्षिण में जब पहुंचे धरसाना, तब सरोजनी नायडू लीड कर रही थी, उनके साथ इमाम साहिब और मणिलाल गांधी जो गांधी जी के बेटे थे ये भी शामिल थे। और धरसाना में जो हुआ उसने कई लोगों का दिल दहला दिया, मतलब यहां पर जो अमेरिकन मीडिया जर्नलिस्ट पहुंचे हुए थे उन्होंने वो सब रिपोर्टिंग करी, वरना शायद ये बातें कभी बाहर भी नहीं आती कि लोग कानून बनाने, नमक कानून तोड़ने के लिए 10-10 20-20 सत्याग्रही आगे जा रहे थे और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, कंटीले तार थे वहां पर, उनसे उनको मारा जा रहा था और लाठियां बरसाई जा रही थी, लोगों के खोपड़ी को फोड़ दिया था, मतलब लोगों के स्कल्स क्रैक किए जा रहे थे, और एक भी सत्याग्रही ने अपना हाथ तक ऐसे ऊपर नहीं उठाया ताकि वो अपने सर को बचा सकें। इस लेवल का नॉन वायलेंस फॉलो किया जा रहा था सत्याग्रहियों के द्वारा, और शाम तक सैकड़ों सत्याग्रही पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन ये सत्याग्रह कंटिन्यूअसली चलता रहा, वो 20-20 के ग्रुप में आगे बढ़ते गए।
तो वो जो दिल दहला देने वाला सीन था ना, वो पूरा अमेरिकी पत्रकारों ने उसको कवर किया और वो अगले दिन दुनिया भर के अखबारों में छपा था, और उसके कारण ब्रिटिश सरकार को बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। तो ये ब्रूटल लाठीचार्ज था यहाँ पर धरसाना में, जिसने पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश हुकूमत का सच्चा चेहरा सामने ला दिया। और ये बात याद रखना कि सरोजनी नायडू यहाँ पर लीड कर रही थी। तो ये प्रिलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी हु वॉज लीडिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन गुजरात, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। फिर देखो कई दूसरे शहरों के अंदर हड़ताल वगैरह वो सब तो था ही, ठीक है, इंडस्ट्रीज में हड़ताल है, और जो नॉन कॉपरेशन में था वो सब कुछ यहाँ पर वो भी हो ही रहा है। तो शोलापुर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ पर बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं, उन्होंने पूरी तरह स्ट्राइक कर दी, बंद कर दिया, और कई जो शराब बेचने वाली दुकान है उनको पिकेट नहीं किया, उनको जला दिया यहाँ पर। तो थोड़ी बहुत इस तरह की हिंसा हुई थी, बट यहाँ कोई मारा नहीं गया था, मतलब दुकान जलाई थी, लोगों को नहीं जलाया था। ओके, कई जगह सरकारी ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय किया गया, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, अदालतों को तोड़फोड़ यहां पर किया जाता है। तो शोलापुर में थोड़ा सा यह आंदोलन उग्र था। ओके, हिंसक नहीं, उग्र कह सकते हो आप। और फिर उसके बाद पेशावर के अंदर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉट नॉर्थ ईस्ट, वहां पर खान अब्दुल गफार खान इसे लीड कर रहे थे। खान अब्दुल गफार खान एक पठान थे, इन्होंने शुरुआत करी थी एक सोशल मैसेज के साथ कि पठान या पख्तून ट्राइब्स में सोशल रिफॉर्म आए। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, गांधी जी के साथ जुड़ते हैं, और गांधी जी से इंस्पायर होकर इन्होंने यहाँ पर खुदाई खिदमतगार नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इनके फॉलोअर्स को कहा जाता था खुदाई खिदमतगार, यानी कि ये सर्वेंट्स ऑफ गॉड, इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये होगा। तो इन्होंने पेशावर के किस्सा खुबानी बाजार में एक मीटिंग रखी थी। यहाँ पर जो है अंग्रेजों की एक भारत ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी थी गढ़वाल राइफल्स, इनको कहा गया था कि गोलियां चला दो, लेकिन इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ लाठी चार्ज वगैरह हुआ था, तो इसमें किस्सा खुबानी बाजार में काफी लोग इंजर भी हुए थे। तो ये सब चल रहा था कहां पर, पेशावर में। तो पेशावर में खान अब्दुल गफार खान इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट। तो इनका ओरिजिनल मकसद सोशल रिफॉर्म था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिक्स में भी शामिल हो जाते हैं, और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, नाम लिख लेना ये, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर क्यों, क्योंकि ये फ्रंटियर प्रोविंस में थे। फ्रंट का मतलब होता है कि बॉर्डर, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या था, अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला जो एरिया है, जहां पर आज पख्तून ट्राइबल्स रहते हैं, अभी भी ये काफी न्यूज में रहता है ये एरिया। तो यहां पर फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में यह आंदोलन चलता है पेशावर और अन्य शहरों में। ओके, पेशावर वॉज द कैपिटल ऑफ दैट फ्रंटियर प्रोविंस। फिर चित्तगोंग में सूर्या सेन नाम के एक स्कूल टीचर ने बगावत कर दी। ये अहिंसात्मक नहीं था, ये थोड़ा हिंसात्मक आंदोलन था। तो चित्तगोंग रेबेलियन या चित्तगोंग रिवोल्ट इसे कहा जाता है। सूर्या सेन और उनके रेवोल्यूशनरीज ने, एक पूरी टीम थी इनकी कई लोगों की, इन्होंने चित्तगोंग की आर्मरी पर रेड करी। आर्मरी का मतलब वो जगह जहां पर हथियार रखे जाते हैं सरकार के द्वारा। तो चित्तगोंग आर्मरी पर इन्होंने हमला बोलकर, धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। चित्तगोंग के सारे सरकारी ऑफिसेस पर इनका कंट्रोल हो गया कुछ दिन के लिए, और यहां इन्होंने अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि अपनी एक इंडिपेंडेंट सरकार चला दी। हालांकि कुछ दिन बाद अंग्रेज आर्मी आ जाती है, दूसरे एरिया से आर्मी की टुकड़ी आकर यहाँ पर इनको यहाँ से खदेड़ देती है, और उसके बाद ये जंगलों में जाकर कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते हैं, और अल्टीमेटली ये सब अरेस्ट हो गए, और सूर्या सेन को बहुत टॉर्चर करके अंग्रेजों ने मार दिया। मतलब बहुत गंदा टॉर्चर हुआ था सूर्या सेन के साथ। इनको मास्टर दा भी कहते हैं, लिख लेना ये, कभी पूछ सकते हैं, मास्टर दा इनकी उपाधि थी, क्योंकि स्कूल टीचर थे, स्कूल मास्टर थे, तो दैट वॉज सूर्या सेन। बंगाल में ये मूवमेंट कैसा चल रहा था, तो देखो बंगाल कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन चुके थे, मैंने पिछले एक लेक्चर में भी ये जिक्र किया था। एक धड़े के अध्यक्ष थे, मतलब लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरे के थे जेम सेन गुप्ता। तो थोड़ा यहां पर बंगाल में ये मूवमेंट विभाजित था, क्योंकि दो फैक्शन बने हुए थे। तो इसके कारण क्या होता है कि कलकत्ता के भद्र लोग, यानी कि जो शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे बाबू हैं, जेंटलमैन हैं, उनके और गांव के रूरल मासेस के बीच में एक खाई सी आ गई थी, एलियनेशन हो गया था। एक भद्र लोग था, एक फैक्शन भद्र लोग को फेवर करता था, दूसरा फैक्शन किसानों के ज्यादा फेवर में था। तो इस तरह से यहां पर थोड़ा सा विभाजन हो गया था, और आंदोलन उतना तेजी से नहीं हो पाया। आंदोलन चला था, लेकिन एक वो वाली बात नहीं थी जो स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में थी। फिर ढाका में कम्युनल राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, और इसके कारण ढाका और उसके आसपास के एरिया, जैसे कि किशोरगंज है, यहां पर मुस्लिम्स ने इस आंदोलन में इतने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिंदुओं का फेवर करती है, और कम्युनल राइट्स अभी अभी यहां पर हुए थे, तो इसीलिए यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। तो बंगाल में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन चला। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा इस बार बंगाल में होती है। तो बंगाल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय सबसे ज्यादा हिंसा और सबसे ज्यादा अरेस्ट होते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द कम्युनल राइट्स और जो आपस में ये दो फैक्शन बने हुए थे इनके कारण। बिहार के अंदर नमक सत्याग्रह होता है। अब बिहार में समुद्र तो है नहीं, तो नमक कहां से बनाओगे, तो ये सिंबॉलिक था, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार वॉज सिंबॉलिक, केवल नाम के लिए रखा था कि हाँ हम गांधी जी को, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई सारे नेताओं ने नमक सत्याग्रह किया, तो उन्होंने
क्या किया कि ऐसे एक डांडी मार्च जैसा मार्च किया, अंबिका कांत सिन्हा के लीडरशिप में ये सॉल्ट सत्याग्रह होता है, और पटना के नखस पॉन्ड में जाकर इन्होंने ऐसे सिंबॉलिक नमक बनाया। मीठे पानी से तो नमक बनता नहीं है, बट फिर भी सॉल्ट प्रोडक्शन को इन्होंने सिंबॉलिक तौर पर ऐसे किया ताकि ये सपोर्ट दिखा सके कि हाँ हम भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाम याद रख लेना, लीडर का नाम पूछा जाता है। बिहार में इसे लीड कर रहे थे अंबिका कांत सिन्हा। बिहार के अंदर सॉल्ट सत्याग्रह की जगह इन्होंने चौकीदारी टैक्स के खिलाफ ये लक्ष्य बना लिया। तो इन्होंने कहा कि जैसे देश के दूसरे हिस्सों में नमक का कानून तोड़कर नमक के लिए पैसे नहीं देंगे लोग सिविल डिसोबीडियंस के तहत, वैसे ही बिहार में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ लोगों ने मना कर दिया कि सरकार को हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। उसी तरह से छोटा नागपुर वाला जो एरिया है झारखंड का, जहां पर पूरे ट्राइबल बेल्ट है, इसने लोअर क्लास मिलिटेंट मूवमेंट्स देखे, यानी कि यहाँ पर क्लास मूवमेंट आ जाते हैं। क्लास मूवमेंट यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, डिप्रेस क्लास, या फिर जो ट्राइब्स हैं वो अपने अधिकारों के लिए सोशो कल्चरल या सोशो रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि हजारीबाग में बोंगा मांझी और सोमरा मांझी ने एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाया। तो ये सब सिविल डिसोबीडियंस के साथ साथ में चल रहा है। असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलता है अगेंस्ट द इनफेमस कनिंगम सर्कुलर। कनिंगम सर्कुलर क्या था, एक ब्रिटिश अफसर था कनिंगम, उसने ये कहा था कि जितने भी माँ बाप हैं और जो जिनके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं वो कोई भी सिविल डिसोबीडियंस में, हड़ताल में शामिल नहीं होगा। और इस सर्कुलर में कहा गया कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे अच्छा बर्ताव करें, फोर्स्ड अश्योरेंस ऑफ गुड बिहेवियर। तो उनसे ये चिट्ठी मांगी गई कि आप साइन करके लेटर दो कि आपके बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं वो किसी भी आंदोलन में, किसी भी स्ट्राइक में या किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे, और ये साइन करके आप हमें दोगे। इसको कनिंगम सर्कुलर कहा गया। तो इस सर्कुलर के खिलाफ असम की जनता ने बगावत कर दी, और मतलब बगावत क्या कर दी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस में असम में कनिंगम सर्कुलर एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो इस तरह से आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस की घटनाओं को आप मैच कीजिए। तो असम कनिंगम सर्कुलर, बिहार में चौकीदारी टैक्स, गुजरात के अंदर सॉल्ट टैक्स, इस तरह से आपसे चीजें पूछी जाएगी। और यहां पर भी एक मार्च किया गया था सिलहट, जो आज के समय में कहाँ आता है, बांग्लादेश में, नोआखली, ये भी बांग्लादेश में आता है। तो सिलहट से नोआखली तक एक वॉलेंटियर्स ने मार्च किया था सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये सिलहट से नोआखली का रास्ता है, लगभग 350 किलोमीटर का रास्ता है। तो बिल्कुल जैसे दांडी सत्याग्रह हुआ था उसी तरह, दांडी मार्च हुआ था उसी तरह से ये यहां पर भी सिलहट टू नोआखली मार्च होता है। मणिपुर और नागालैंड में उसी समय रानी गाइडिन ल्यू के द्वारा एक बगावत करी जाती है। अब वैसे देखो इसका सिविल डिसोबीडियंस से डायरेक्टली लेना देना नहीं था, इनके रीजंस अलग थे। इनके जो रीजंस थे देवेर मोर ऑफ अ सोशियो रिलीजियस कॉज था इनका। तो यहां पर एक कल्ट था इनका, हेराका। तो नगास के अंदर भी एक हेराका कल्ट इन्होंने बनाया था, और इस हेराका कल्ट की लीडर थी रानी गाइडिन ल्यू। अब ये हेराका कल्ट क्या था, ये नगास के अंदर एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो रानी गाइडिन ल्यू के एक कजिन ने पहले शुरू किया था, उसके बाद ये इसकी लीडर बन जाती हैं। और 1931 में, 1932 में केवल 13-14 साल की उम्र में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी। तो ये मणिपुर नागालैंड, मणिपुर में हो रहा था ये, लेकिन मणिपुर में भी नगाज रहते हैं। तो रानी गाइडिन ल्यू एक नगा थी, और उसमें भी इन्होंने नगा में एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू किया था, नॉट रिफॉर्मिस्ट, इट वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो ये हेराका एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो रानी गाइडिन ल्यू के कजिन ने शुरू किया था, और बाद में ये उसकी लीडर बन जाती हैं बहुत ही कम उम्र में। धार्मिक मूवमेंट से ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है कि अंग्रेजों को यहां से खदेड़ देना है मणिपुर नागालैंड वाले क्षेत्र से। तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ मतलब आर्मी भेज दी, और अल्टीमेटली इनको सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्हें रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी जब ये जेल में थी। ये 15 साल जेल में रही थी आजादी के वक्त तक, 1947 तक। इस बीच एक बार इनसे नेहरू मिलने गए थे, और जब नेहरू वहां पे गए उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल चिट्ठी भी लिखी थी ब्रिटिश सरकार को कि इन्हें आप आजाद करो, इन्हें जेल से छोड़ा जाए। तो उस वक्त ये इसीलिए फेमस हो जाती हैं, बाकी इतना ज्यादा इनके बारे में जानकारी उस समय नहीं थी। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए वहां पर इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने काफी कुछ किया था। चलिए, अब सिविल डिसोबीडियंस जो है ये पूरे भारत में फैल चुका था। सॉल्ट टैक्स कहीं पर, फॉरेस्ट लॉ कहीं, चौकीदारी टैक्स कहीं, जमीन से जुड़े हुए टैक्स को लेकर मुद्दा बनाया गया, और लोगों ने ये सारे टैक्स देने से मना कर दिया। दैट इज वाई इट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ब्रिटिश सरकार ने क्या करा इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, और नए कानून लेकर आए। कई जगह प्रेस सेंसरशिप लाई गई, कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब भी कोई नया आंदोलन आएगा कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी यही होता है, पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद सत्याग्रही जो हैं ये अपने पथ से नहीं हटते हैं। सारे सीनियर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था विद इन 1 ईयर, 1930 के अंत तक लगभग सारे सीनियर लीडर जेल में थे, लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहता है।
अब कुछ जगह इसमें हिंसा भी होती है जैसे कि कलकत्ता और कराची जैसे शहरों में, लेकिन इस बार गांधी जी को लोगों ने पहले ही चेता दिया था कि देखो आप चौरी चौरा की तरह इस बार आंदोलन वापस मत खींच लेना। तो थोड़ी बहुत हिंसा होती है, उसके बावजूद गांधी जी ने ये मूवमेंट खत्म नहीं किया। और इस बार महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो नॉन कॉपरेशन से और ज्यादा बढ़ जाता है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, शराब की दुकानों को पिकेट किया जाता है, कई जगह उन्हें तोड़फोड़ भी दिया जाता है, देश के लगभग सभी इंडस्ट्रीज में हड़ताल ऑर्गेनाइज करी गई। इस पूरे आंदोलन का इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहला, विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल घट गया तो फॉरेन क्लोथ का जो इम्पोर्ट है वो तुरंत कम हो जाता है, एकदम से उसमें फॉल आता है 1 साल के अंदर अंदर। और सरकार की जो इनकम थी शराब से और उसके अलावा लैंड रेवेन्यू से, ये सब 1 साल में कम आ जाती है। तो यानी कि 1930 और 31 के बीच में जो गवर्नमेंट की इनकम है एक्साइज, लिकर, रेवेन्यू, इन सबसे लगातार घटती जाती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव थे उन चुनावों का बहिष्कार कर दिया जाता है, तो सरकार ढंग से चुनाव भी नहीं करवा पाती। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि एक तो ये अहिंसात्मक आंदोलन था, तो आप कितने लोगों को मारोगे, धरसाना की तरह आप कितने लोगों के मतलब उनको लहूलुहान कर दोगे। वहां पर इतने लोगों को बुरी तरह से पीटा गया था कि अखबारों में जब उनकी इमेजेस छपी तो ब्रिटिश सरकार बहुत बैकफुट पे आ गई। तो अब ये नॉन वायलेंट है, कहीं पर हिंसा तो हो ही नहीं रही थी ज्यादा, मतलब बड़े स्तर पर कहीं कोई हिंसा नहीं थी। तो ऐसे में अब उसके खिलाफ हिंसात्मक तरीके भी आप अपना नहीं सकते, एक स्तर के बाद, एक लेवल के बाद आप वायलेंस यूज नहीं कर सकते नॉन वायलेंट मूवमेंट के खिलाफ। तो ब्रिटिश सरकार यहां पर थोड़ी सी चिंता में आ गई कि किया क्या जाए। तो इस मूवमेंट के जो मेन इम्पैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि भारत की आजादी का आंदोलन पहली बार पश्चिमी मीडिया में, खास करके अमेरिका में, लाइमलाइट में आता है। और अमेरिकन लीडर्स अब इंग्लैंड को ये कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो आप, हम तो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और आप भारत के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर कई सारे लोग जो पहले आजादी के आंदोलन से नहीं जुड़े थे, जैसे कि महिलाएं और डिप्रेस्ड क्लासेस, वो इस आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि याद करो इस बार गांधी जी ने सोशल मैसेजिंग भी यहां पर शामिल करी थी, तो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उससे भी बहुत लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। और नॉन वायलेंट सत्याग्रह, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करने का जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया था, वो पहले उसको लेकर लोगों ने डाउट जाहिर किए थे, कई लोगों को शंका थी कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन इस बार कई लोगों ने मान लिया कि हाँ ये नॉन वायलेंस सही तरीका है। इससे क्या है कि सरकार हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब आप हिंसा करते हो तो स्टेट भी हिंसा करेगा, और स्टेट की हिंसा को आप कभी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्टेट के पास होती है आर्मी, पुलिस, स्टेट का मतलब सरकार है, ठीक है? तो सरकारी हिंसा से आप बच नहीं सकते, तो सबसे बेहतर यही है कि हिंसा का इस्तेमाल ही ना किया जाए। तो यहां पर समाज के हर तबके के, जैसे कि स्टूडेंट्स, महिलाएं, ट्राइबल मर्चेंट्स, पेटी ट्रेडर्स, छोटे मोटे व्यापारी, किसान, सभी लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। मुस्लिम्स ने भी यहां पर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अपना दिखाया, लेकिन 1920-22 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके कंपेरिजन में मुस्लिम्स की संख्या इस आंदोलन में थोड़ी कम थी, क्योंकि एक तो यहां पर खिलाफत वाला कोई इशू नहीं था, पहले खिलाफत वाला रीजन था तो थोड़ा सा धार्मिक एंगल भी था, इसलिए मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। और दूसरा, इस बार सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थोड़ी सी काम कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम नेताओं को ये कहा था कि तुम क्यों कांग्रेस के साथ शामिल हो रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के अंदर ना तो कोई मुस्लिम लीडर्स हैं बहुत सीनियर, ना बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के फेवर में कांग्रेस पार्टी बोलती है। तो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होने लगी थी, और कहीं ना कहीं एक अलग मुस्लिम देश की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। लगभग इसी समय, रफली इसी टाइम पे, चौधरी रहमत अली जैसे नेताओं ने पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू करी थी। और हालांकि वो कोई पॉलिटिकल आंदोलन अभी नहीं बना था, लेकिन कहीं ना कहीं बातें उठनी शुरू हो गई थी कि मुस्लिम्स को एक अलग देश मिलना चाहिए। तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन के लेवल जितना नहीं था, लेकिन था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, देर वॉज पार्टिसिपेशन। तो अब देखो, जब ये 1 साल हो गया इस आंदोलन को, जनवरी 1931 में, तब फाइनली लॉर्ड अरविन, जो उस समय क्या था, वॉइस रॉय था, तो अरविन को लगा कि अब वक्त आ गया है कि बातचीत करी जाए कांग्रेस से। तो गांधी को बुलाया गया, कांग्रेस को बुलाया गया कि आओ बैठते हैं, बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके बाद आएगा गांधी अरविंद समझौता और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको 5 बजे के आसपास शाम को लाइव हो जाएगा, तो उस समय उसको जरूर देखिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अनएकेडमी पर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से, तो आप एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। स्पेशल प्राइस वीक इस वक्त चालू है, इसको भूलना मत। प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं, दोनों के अंदर क्या आपको बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें कभी भी, उसमें आपको 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, लेकिन अभी ये एडिशनल 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, जो बाद में अवेलेबल नहीं रहने वाला है। इट इज ओनली फॉर टुडे 30th September। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, बैचेस लगातार बनते रहते हैं। मेन्स बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 18th October से। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो कोर्स है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2022 और 23 का
पूरा प्लान है वो हमने डिटेल में ऐप पर बता रखा है, तो आप ऐप पर या वेबसाइट पर जहां भी देख रहे हैं वहां देख सकते हैं। इस साल के यूपीएससी के रिजल्ट्स में कई टॉपर्स अनअकैडमी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो आप इनके सबके नाम और रैंक यहां पर देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अगर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में देखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज से पढ़िए और बेहतरीन पढ़ाई कीजिए। हमारे कोर्सेज से नहीं पढ़ रहे हैं तो भी बेहतरीन पढ़ाई कीजिए और रैंक्स में अपना नाम लेकर आइए। टोटल अभी तक जो जानकारी हमें मिली है 169 लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से जो जुड़े हुए थे वो इस लिस्ट में आए हैं। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म अब स्टार्ट हो गया है। इस पर जो आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स हैं उनको लाइव मेंटरिंग यहां पर मिलेगी। अनअकैडमी की क्लासेस में रेज हैंड जैसे ऑप्शंस आ चुके हैं और एक वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच हमने स्टार्ट किया है और अब कॉम्बैट सब्जेक्ट वाइज होगा। तो इस हफ्ते ज्योग्राफी का कॉम्बैट होने वाला है। कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए ये इन्वाइट कोड यूज करिए और अगर आप अच्छा रैंक लेकर आते हैं कॉम्बैट में तो आपको सब्सक्रिप्शन में बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।